हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और न्यू पाल वर्ल्ड की गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं पाल वर्ल्ड। तो ठीक है गाइस, ये गेम भाई तुम लोग को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे को बताना। वैसे एक सब्सक्राइबर है हमारे भाई, उनको बहुत पसंद आ रहा है, वो तो कह रहे हैं भाई डेली गेम प्ले वीडियो डालो। तो ठीक है भाई, डेली वीडियो डालने की मैं कोशिश करूंगा जितनी मेरे से डल पाएगी। ठीक है, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। और देख सकते हो गाइस, यहाँ पे ये हमारा बेस था, मैंने बेस को थोड़ा बहुत अपग्रेड कर दिया। ठीक है, मेरे को यहाँ अपग्रेड करना है। ठीक है, और ये भाई थोड़ी जगह लगानी है, और खिड़की से मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ। ठीक है, मेरे को लगा भाई मैं खिड़की से बाहर निकल जाऊँगा, लेकिन नहीं निकल सकते भाई। इस गेम के अलग थोड़े लॉजिक चलते हैं, इस गेम का अलग थोड़ा माइंड चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नीचे उतर जाते हैं और देखते हैं भाई आज हम लोग को करना क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई बेस लेवल अप करने के लिए मेरे को क्या क्या जरूरत पड़ेगी। और सबसे पहले ये रहे हमारे पाल्स, और भाई पाल्स देख सकते हो हमारे पास दो स्टैक, मतलब दो भर चुके हैं हमारे। ठीक है, दो खाने भर चुके हैं, दो बॉक्स भर चुका है। और यहाँ पे गाइस मेरे को हॉट स्प्रिंग बनाना है भाई अपना लेवल 8 करने के लिए। ठीक है, तो मेरे को भाई हॉट स्प्रिंग बनाना पड़ेगा। और ये गाइस हम लोगों ने पकड़ा था, जैसा कि तुम लोग को पता ही होगा, हम लोगों ने चील भी पकड़ ली थी ये वाली। और गाइस मैं हॉट स्प्रिंग कहाँ पे बनाऊँ ये मेरे को चेक करना है। तो मैं सोच रहा हूँ भाई ऊपर बना लिया जाए हॉट स्प्रिंग, है ना। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले मेरे को ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बतखों की रेड हो चुकी है, और मैं इन बतखों को भाई पहले ही मार दूंगा। ये मेरे बेस में है, उससे पहले मैं इन्हें मार दूंगा। और मेरे ख्याल से भाई मैंने इन्हें देखा ये भाई फट जाती है जहाँ तक मेरे को पता है। और भाई देख तो ये है क्या, डोडो लग रहा है भाई। डोडो ऐसा होता है, ठीक है, डोडो एक प्राणी है जो कि विलुप्त हो रहा है, वो भाई पहले ऐसा लगता था। ठीक है, अब तो भाई काफी मेरे ख्याल से एक्सटेंट हो चुके हैं, और भाई मरे नहीं अभी तक। तुम्हारी ऐसी की तैसी मेरे पास पाल भी नहीं है जो भाई मैं इनको कलेक्ट कर सकूँ। तो अब देख तो भाई ये आके फटे एकदम से हमारे मुंह पे आ जाएंगे और फट जाएंगे। और भाई मर चुके हैं क्या? नहीं भाई है मेरे ख्याल से। तो फटाक से भाई पाल बना देता हूँ, और हमारे भाई पोकेमोन फाइट कर रहे हैं क्या? मर गए भाई। ठीक है, यहाँ पे सब मर चुके हैं, और मेरे को गन पाउडर मिला है इनसे। ठीक है, और टोकाटो फैदर मिला है। ठीक है भाई, गन पाउडर मिला, मेरे को टोकाटो फैदर मिला है। और भाई मैंने इन लोगों को पकड़ नहीं पाया क्योंकि मेरे पास पाल स्प्रेयर नहीं था। तो गाइस मैंने पाल स्प्रेयर बिल्ड के लिए बना लिया, और देख तो गाइस मैंने अनलॉक कर दिया था ये रहा गाइस हॉट स्प्रिंग, मैंने अनलॉक तो कर दिया। तो गाइस देख तो यहाँ पे मैंने भाई पूरा स्टोन तोड़ दिया, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ अपना हॉट स्प्रिंग। ठीक है, हॉट स्प्रिंग लगाने के बाद हम लोग भाई अपना बेस कर पाएंगे अपग्रेड। ठीक है, और भाई देख सकते हो मैंने इतनी बेकार जगह बेस बना लिया है ना अपना, और फटाक से भाई इसे बिल्ड कर देता हूँ। मेरे भाई पोकेमोन बिल्ड क्यों नहीं कर रहे हैं इसे? भाई मेरे पोकेमोन बिल्ड करने में एक काम करता हूँ भाई, मैंने वो पकड़े थे कैट पकड़ने थे। ठीक है, तो यहाँ पे फटाक से भाई बिल्ड कर देते हैं, और हमारे पास 10 सेकंड में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये हो चुका है गाइस अपना बिल्ड। ठीक है, हम लोगों ने बिल्ड कर लिया, और भाई नहाओ इसमें, अब नहाओ। क्यों बनवाया भाई ये मेरे से? पता नहीं भाई क्यों बनवाया, मेरे ख्याल से नहा लेंगे थोड़ा डिप्रेशन कम का हो जाएगा इन लोग का, जहाँ तक मेरे को लगता है भाई। नहाने से डिप्रेशन कम होता है कि नहीं होता है पता नहीं भाई, कोई जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोग का डिप्रेशन कम हो जाएगा। और यहाँ पे गाइस हम लोगों ने अपना बेस कर दिया लेवल 8 का। तो यहाँ पे मेरे को बिल्ड है हाई क्वालिटी वर्क बेंच, और ये मेडिसिन वर्क बेंच मेरे को बनानी है। ठीक है, मेडिसिन वर्क बेंच बनानी है मेरे को, और ठीक है भाई एक पैट को काम पे लगाना है। ठीक है, पैट को तो अभी काम पे लगा देते हैं पाल को, तो फटाक से भाई एक पाल को मैं काम पे लगा देता हूँ। कहाँ है भाई कोई पाल, देख लेते हैं, यही वाला पाल उठा लूँ क्या? तो बंदर को लगा देता हूँ। ठीक है भाई, बंदर पेड़ कटिंग कर देता है वैसे, तो देखते हैं भाई कोई काम का होगा लगा दूंगा। तो गाइस मैं कटीवा कोई काम पे लगा रहा हूँ। ठीक है भाई, कटीवा है जो बिल्ली भाई, ये थोड़ा काम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है ये लोग हर काम कर लेते हो तो बढ़िया है ये लोग। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस हम लोग आ चुके हैं, और मेरे को भाई हाई क्वालिटी वर्क बेंच अनलॉक करनी है। तो हाई क्वालिटी मेरे को वर्क बेंच ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ पे है भाई हाई क्वालिटी वर्क बेंच? ये गाइस हाई क्वालिटी वर्क बेंच, ठीक है अनलॉक कर देते हैं। और भाई मेरे को मेडिसिन, हाँ भाई ये रही ना मेडिसिन वर्क बेंच, तो गाइस इसे भी अनलॉक कर देता हूँ। और गाइस मेरे को बस यही दो चीज़ें बनानी है ना। ठीक है, ठीक है मैं ऐसे फटाक से बना लेता हूँ। और भाई इसे मैं कहाँ बनाऊँ, अंदर ही बनाऊँगा वैसे तो, लेकिन ऊपर बनाते हैं। ठीक है, ऊपर का रूम हमारा खाली हो रखा है तो ऊपर बना लेते हैं। और गाइस मैं सोच रहा हूँ भाई बेस अपग्रेड करने का ऑप्शन मैं देखता हूँ, अगर होगा इस गेम में तो गाइस मैं इसको बेस अपग्रेड तो हो रहा है वैसे, बेस चेंज करने का ऑप्शन। ठीक है, और भाई मेरे को नेल्स भी बनाने पड़ेंगे, मतलब कील्स भी बनानी पड़ेंगी मेरे को। ठीक है, कीलें बनानी पड़ेंगी, तो यहाँ पर कील्स अनलॉक करता हूँ सबसे पहले मैं। और कहाँ है भाई कील, मैंने देखी तो थी, कहाँ गई भाई कील्स? कील्स नेल्स, नेल्स कहते हैं भाई कील्स को इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नेल्स अनलॉक कर दिए। कील भाई काफ़ी ज़रूरी है मतलब इस गेम में। ठीक है, काफ़ी रियलिस्टिक सा गेम बनाया है भाई, बढ़िया गेम बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कील्स अनलॉक कर दिया, और यहाँ पे हम लोग, ठीक है भाई मेरे को क्राफ्ट भी करनी पड़ेगी कील, मैं तो भूल ही गया भाई ये चीज़ तो। ठीक है भाई, मैं बना के डायरेक्ट इधर आ चुका, और ये लोग सब सो चुके हैं, मेरे पोकेमोन प्यारे प्यारे पोकेमोन से हमारे, तो ये सारे पोकेमोन सो चुके हैं। और भाई कुछ पोकेमोन तो काम करते करते ही सो चुके हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इन लोगों को काम करने देते हैं। और भाई ये क्या हो गया, मेरा वेट बिल्कुल से बढ़ चुका है, तो मैं एक काम करता हूँ फटाक से अंदर चलता हूँ, जो जो काम का नहीं है वो सब अंदर रख देता हूँ। तो गाइस देख तो मैंने भाई और मतलब जो भी चीज़ें थी वो सब रख दें। ठीक है, और यहाँ पे पाल फ्लूट भी रख देता हूँ। तो गाइस देख तो मैंने सब कुछ रख दिया, और यहाँ पे गाइस देख ये आया भाई मेरे को बनाने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाने के लिए रख दिया, और ये सैडल है। ठीक है, और ये भाई किसका सैडल है मैं तुम्हें बता दूँ, हमारी चील है, जो भाई चील का सैडल है भाई, ये बनने में काफ़ी टाइम लगा रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं भाई, अभी हम लोग को वर्क बेंच बनाना है, उससे पहले हम लोग सो जाते हैं क्योंकि नींद भी काफ़ी ज़रूरी है।
तो हम लोग यहाँ पे सो चुके हैं और यहाँ पे उठ गए हैं भाई। अब हम लोग को भाई काम करना है और ये भाई हमारे पाल्स हो जाएंगे, पाल्स बना लेंगे। हाँ भाई ये हमारा एक पाल बना रहा है, बना भाई ठीक है। तो ये बना लेगा, टाइम लगेगा इसे बनाने में। जब तक भाई ये बना रहा, हम लोग भाई वर्क बेंच बना लेते हैं अपनी, जो जो हम लोग को वर्क बेंच वगैरह बनानी है वो सब बना लेते हैं ठीक है। और यहाँ पे नेल लेकिन बनती कहाँ पे है मेरे को ये बताई जाए। तो यहाँ पे नेल्स ले लेते हैं, मेरी 17 नेल्स बन सकती हैं अभी। तो भाई अच्छा, एक इंगट से बस एक ही कील बनेगी, ये भी भाई गलत चीज़ है यार, ज़्यादा बननी चाहिए ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेल्स बना ली है और यहाँ पे चेस्ट बना लेते हैं भाई, चेस्ट का बहुत काम है ठीक है भाई। मेरे पास सामान बनना घिचपिच हो रखी है, मतलब घिचपिच मतलब, अरे यार मैं तुम्हें घिचपिच बताऊँ, मतलब घिचपिच मतलब वो काफ़ी मैस हो रखा है ठीक है भाई। मैसी हो गया भाई, पूरा मैस रूम हो जाता है जैसे भाई, पूरा एस जी हो रखा है। मेरी इन्वेंट्री बिल्कुल खाली खाली मेरे को पसंद है, ज़्यादा भरी जाती है इन्वेंट्री तो मेरे को पसंद नहीं है। तो यहाँ पे गाइस मैंने बना दिया ठीक है, इतनी बहुत है भाई चेस्ट क्या। हाँ भाई इतनी बहुत है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ पीछे की तरफ भी बना देता हूँ, क्योंकि भाई सामान तो हम लोग भरते रहेंगे ना ठीक है। और यहाँ पे गाइस मैं एक काम करूँगा, अभी तो मैं चेस्ट बना रहा हूँ, इसके अंदर एक शेल्टर भी बना देंगे, जैसा कि लगेगी। हाँ भाई चेस्ट हम लोगों ने एक शेल्टर के अंदर रख रखी है ठीक है। तो यहाँ पे हो गई है, बहुत है ना, इनफ है। एक और बना देते इधर की तरफ ठीक है। तो यहाँ पे लगा देता हूँ एक हल्के हाथ से गाइस मैंने यहाँ पे लगा दिया ठीक है। तो सब हम लोगों ने लगा दिया भाई, कितनी चेस्ट लगा दी मैंने तो गिनी भी नहीं है ठीक है। तो यहाँ पे गन पाउडर रख दिया, तो मैंने भाई गन पाउडर रख दिया हम लोगों ने, और हम लोग यहाँ पे गन भी बनाएंगे ठीक है भाई। गन बनानी कैसे हम लोग को ये पता चल जाए, फिर भाई हम लोग गन वन भी बनाते हैं। यहाँ पे गाइस हम लोगों ने बना लिया ठीक है, सैडल बना लिया। तो मैं एक काम करता हूँ भाई, इसको बुलाता हूँ ठीक है। मेरी चील का मैं उड़ने की देखता हूँ भाई, उड़ कैसे पाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे चील को गाइस मैंने बुला लिया और फटाक से भाई बैठते हैं इसके, भाई बैठो फटाक से बैठते हैं इस पे और देखते हैं भाई कैसे उड़ पाएंगे ठीक है। तो यहाँ पे मैं ई दवा के ऊपर बैठ चुका हूँ और देखते भाई कैसे उड़ेगा, और भाई मज़ा आ रहा है ठीक है। और लो भाई उड़ सकते हैं, लेकिन भाई इसका भी स्टेमिना है ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा नहीं उड़ सकते, लेकिन भाई हम लोग उड़ सकते हैं और देख सकते हैं भाई। देखते यहाँ से पूरा भाई पालवेल्ट दिख रहा है, और पूरा तो नहीं लेकिन दिख रहा है जितना है ठीक है। और भाई तगड़ा है पालवेल्ट का भी, सुनो भाई हड्डी कितनी बड़ी हो रखी है, पता नहीं भाई कौन से एनिमल की इतनी बड़ी हड्डी है। मेरे ख्याल से कोई ख़तरनाक पोकेमोन ही है जो काफ़ी बड़ा हो रखा है ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के भाई, हम लोग के पैल की भी भाई देख सकते हो स्टैमिना बिल्कुल डाउन हो रखा है, तो भाई इसका स्टैमिना कैसे बढ़ाऊँ। और भाई मैं इसको शॉट भी मार सकता हूँ, और एक शॉट में भाई बंदा डाउन है ठीक है, एक शॉट में मेरे को बंदा डाउन कर दिया। और भाई मेरे को इससे रेड बेरी मिलती है भाई, अगर हम लोग ये पिंक वाले पुसी कैट मारेंगे तो भाई इससे हम लोग को रेड बेरी मिलेगी यार, ये भी तगड़ा सीन है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं फटाक से, उड़ते हुए देख लेते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं, और जब तक भाई ये लोग इनगट वगैरह भी ढूंढेंगे तोड़ देंगे मेरे लिए ठीक है। तो भाई देखते, तो यहाँ पे भाई हमारे पास एक पॉइंट है ठीक है, एक पॉइंट से मैं क्या बढ़ा सकता हूँ, तो भाई मेरे को बढ़ा लेनी चाहिए कुछ ठीक है। तो मैं स्टेमिना बढ़ाऊँ कि अटैक पावर बढ़ाऊँ, क्योंकि भाई मैंने एचपी नहीं बढ़ाई है, एचपी बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी है भाई। मेरी 600 एचपी है भाई, मैं हज़ार वाले बंदों से लड़ जाता हूँ ठीक है। तो भाई मेरे को अपनी एचपी बढ़ानी पड़ेगी, और मेरे को भाई मैक्स एचपी अपनी करनी है यार जल्द से जल्द। अब से एचपी पे ही काम करूंगा, स्टेमिना वगैरह बाहर में जाए। तो भाई देख तो उड़ते मैं कहाँ पे आ चुका, और ये मेरे को एक दिखा ठीक है, एक और चील दिखी, और चील की चील से फाइट करवाता हूँ मैं, रुको तुम्हारी ऐसी की तैसी चील। और लो भाई ये नीचे बैठ गई डर के मारे, भाई तुम बैठोगी, हमारी चील की है 12 लेवल ठीक है, और उस वाली चील का है 10 लेवल, तुम तो मरोगी बेटा। अब तुम बच गई क्या, मरोगी नहीं सॉरी, तुम हमारी बॉल के अंदर आओगी। तो इनको बॉल के अंदर ले लेते हैं फटाक से भाई, वो नीचे ही रह पाएंगी, वो हमें ऊपर शॉट ही नहीं मार पा रही है ठीक है। तो फटाक से इनको लेट कर देते हैं भाई, और लो हमारा बंदा भी डाउन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कवर ले लेके मारेंगे, वो तो पागल है भाई खुले में खड़ा हुआ है, हम तो कवर ले रहे हैं फिर मार रहे हैं, कवर ले रहे हैं फिर मार रहे हैं। तो भाई जहाँ पे हम लोगों ने मार दिया, भाई बंदा उड़ के भाग रहा है भाई, वो भाग रहा है ठीक है। और यहाँ पे उसकी एचपी हो चुकी है कम, तो मेरे ख्याल से मेरे को अपने वाले उसको उड़ाना चाहिए। और भाई बच गया ठीक है, उसकी थोड़ी सी एचपी बची, 23% चांस है उसको पकड़ने के। और मैं बॉल फेंकता हूँ, और उसके पास तक मेरे ख्याल से बॉल जा ही नहीं रही है ठीक है। तो बॉल फेंकने की कोशिश करते हैं, बॉल जा ही नहीं रही ठीक है भाई, तो मेरे को और पास जाना पड़ेगा इसके। और ये अब फेंकता हूँ, अब क्योंकि अब मैंने अगर मारा तो भाई मैं मारा जाऊँगा जहाँ तक। तो बॉल फेंक दिया मैंने, और अब ये पकड़ में आ ही जाएगा। और कहाँ से आ रहे हैं भाई इसके शॉट्स, पता नहीं भाई कहाँ से इसके शॉट्स पड़ रहे हैं। तो ये हो चुका है गाइस 100%, और हम लोगों ने दो पकड़ लिए ठीक है। तो हम लोगों ने दो पकड़ने, नाइट विंग्स पकड़नी है ठीक है हम लोगों ने दो। और यहाँ पे हम लोग एक कासिल पे आ गए हैं, जहाँ से पिछली बार हम लोग मर गए थे ठीक है। पिछली बार हम लोग इधर पे मर गए थे, लेकिन इस बार हम लोग नहीं मरने वाले हैं। और यहाँ पे कुछ और भी है क्या काम का, वैसे ये तो भाई मेरे को किसी काम के नहीं लग रहे हैं ठीक है, इतने बड़े बड़े हाथी से हैं भाई, लेकिन कुछ काम तो कर नहीं रहे हैं ये लोग, बस लगे रहते हैं, कुछ काम के नहीं है भाई, कुछ ज़्यादा काम नहीं करते। और आज हम लोग चल रहे हैं भाई इसे मारने ठीक है, क्योंकि भाई मैं सोच रहा हूँ कि इसे मार देते हैं, हमारे पास डिनोमॉर्फ भी है और ये भी है हमारे पास ठीक है, उड़न तस्तरी, तो उड़ उड़ के मारेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। तो फटाक चलते हैं भाई उस वाले मॉन्स्टर के पास। तो भाई देख तो मैं इधर की तरफ आ चुका हूँ, एक और मेरे को भाई उड़ने वाला पक्षी मिल चुका है, इसे भी मारता हूँ भाई। और इसका क्या हजार कर रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये भाई कोई उड़ा रहा है कैसे, नहीं भाई कोई उड़ा नहीं रहा, खुद उड़ रहा है, मेरे को लगा भाई कोई उड़ा रहा है ऐसा। भाई लड़ाई के टाइम पे लोग नीचे पता नहीं क्यों चले आते हैं, ऐसा पता नहीं क्यों है भाई, मेरे को समझ नहीं आया आज तक।
और ना मैं समझ पाऊंगा मेरे ख्याल से। तो और पंछियां तो नहीं जाते भाई, उड़ते रहते हैं। और ये हम लोगों ने मार दिया अपना सुपर अटैक। और सुपर अटैक कहाँ पे पड़ा है भाई ये? और उसका सुपर अटैक बिल्कुल हम ही पे पड़ा है भाई। भाई ये सुपर अटैक कैसे यूज़ कर रहे हैं यार सही से? यार ये लोग तो सही से यूज़ कर ले रहे, लेकिन मैं सही से यूज़ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? और भाई सवाल, सामने वाले का निशाना कितना बढ़िया है भाई, हमारे एनिमी का। एनिमी इतना तगड़ा निशान लगा के खेल रहा है भाई, कुछ कहने की नहीं, ठीक है। तो फटाक से इसे मारते हैं। और ये हम लोगों ने सुपर अटैक मार दिया और इसको मार देते हैं। और लो भाई सुपर अटैक से तो ये हमारे मार ही गया भाई। शिट यार, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे को इससे लेदर मिल चुका है। लेकिन भाई मेरे को बोन कौन से एनिमल से मिलती है भाई? मेरे को बोन की ज़रूरत है मेरे ख्याल से। तो भाई हमें बोन की ज़रूरत है, लेकिन बोन पता नहीं कौन से एनिमल से मिलेगी। तो भाई मेरे को ढूंढना पड़ेगा जो एनिमल से बोन मिलती है। और यहाँ पे मैंने इसको ले लिया, ठीक है। और यहाँ से चलते हैं भाई फटाक से अपन लोग एक जगह पे। तो भाई देख सकते हो हम उसके पास ही खड़े थे और भाई हम लोग ढूंढ रहे थे उसे। ये रहा भाई, ये सांप जैसा है, ठीक है। और इसकी हेल्थ ऊपर लिख के आ रही है। और ये हम लोग, ओ शिट भाई, अलर्ट हो गया, ठीक है। ये अलर्ट हो गया भाई, काफी मासूम लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अपना डीनोमॉर्फ मैंने छोड़ दिया और ये डीनोमॉर्फ पूछ से ही मार देगा इसे, ठीक है। और डीनोमॉर्फ हमारा इसे पूछ से ही मार देगा, तेरी ऐसी की तैसी, रुक जा। डीनोमॉर्फ को अकेला समझ रहा है क्या? डीनोमॉर्फ के साथ साथ हम भी हैं। और भाई ये दोनों पूछ से लड़ते हैं भाई, दोनों बंदे पूछ। अरे भाई मुझे भी मार रहा है ये, तो भाई मुझे भी मार रहा है, डीनोमॉर्फ को भी मार रहा है ये, कर रहा है भाई, ठीक है। क्या नाम है इसका? चिलेट, चिलेट नाम है, ठीक है। मेरे को ध्यान से सही से दिख नहीं रहा है, चिलेट चिलेट नाम है भाई, चिलेट। इसको भाई बर्फ जमा देता है भाई, ठीक है। चिलेट भाई बर्फीला एनिमल है। और भाई हमारा जो डीनोमॉर्फ है भाई वो आग वाला एनिमल है मेरे ख्याल से, ठीक है भाई। चिलेट डिक्स, तो भाई चिलेट भारी पड़ रहा है डीनोमॉर्फ पे, लेकिन भाई डीनोमॉर्फ ने आग लगा दिया हमारे चिलेट पे। हमारा तो नहीं है खैर अभी, लेकिन हो जाएगा। वो भाई हमें भी मार रहा है भाई, तगड़ा है, ठीक है। इसको पता है कि हम लोग मार रहे हैं इसे। तो भाई यहाँ पे मैंने अपने डीनोमॉर्फ को फिर दोबारा बुला के मारा है, छोड़ दिया गया, ठीक है, ताकि लोकेशन चेंज होते रहे। और डीनोमॉर्फ को मैंने वापस बुला लिया। अब इसको कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे हम लोग के पास 11% चांस है इसको कैप्चर करने का, और नहीं हो रहा भाई, वो भाग रहा है। देख तो इसको फिर से पकड़ता हूँ। और ये भाई मेरे को अटैक पे अटैक करे जा रहा है, इसको मैंने फिर से पकड़ लिया है। और अब मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए भाई, आ जा प्लीज़ आ जा, और अब आ जाएगा, ठीक है। जहाँ तक है भाई अब नहीं छूटेगा। और यहाँ पे हम लोग के पास आ चुका है, हम लोगों ने फर्स्ट बॉस किल कर दिया, ठीक है। हम लोगों ने फर्स्ट बॉस किल कर दिया। और ये किस काम का है भाई? ये भाई किस काम का पता नहीं भाई, मैंने देखा नहीं। और यहाँ पे गाइस मेरे को अंडे मिल चुके हैं, सबसे पहले खाना खा लेता हूँ और डीनोमॉर्फ खिला देता हूँ, ठीक है। डीनोमॉर्फ की थोड़ी हेल्थ कम हो गई है, और ये छीन ले तो खा लिया मैं भी भाई, मेरी हेल्थ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं भाई अपन लोग फटाक से घर पे। और डीनोमॉर्फ इधर तो आ भाई, डीनोमॉर्फ देखो भाई आ ही नहीं रहा। मैं सोच रहा था इसे थोड़ा, इसको आ जा भाई आ जा, शाबाश बेटा, बहुत बड़े गुड बॉय, ऐसे काम करते रहना, ठीक है। ठीक है भाई, अपना लौंडा हो चुका है खुश, ऐसे ही बच्चों को भाई खुश करता रहता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं भाई अपने घर की ओर, और देखते हैं भाई हम लोग को वो भी बनाना, हॉट स्प्रिंग बनाना, क्योंकि हॉट स्प्रिंग तो हम लोगों ने बना लिया भाई, हम लोग को वर्क बेंच बनानी, ठीक है। तो भाई देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं अपने बेस में। और गाइस हमारे नेल बन गए क्या? नेल बने ही नहीं भाई अभी तक हमारे, ठीक है। और ये लोग भाई इधर उधर भागे जा रहे हैं। और यहाँ लगाऊँ क्या? नहीं, वैसे यहाँ बढ़िया नहीं लगेगी, ठीक है भाई, खिड़की के सामने खिड़की का व्यू आ जाएगा। तो मैं भाई इसके सीढ़ियों के नीचे लगा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे गाइस हम लोग फटाक से बिल्ड करते हैं, और हमारे साथ दो साथी भी आने वाले हैं हमारे बिल्ड करने के लिए। तो भाई फटाक से कर देता हूँ बिल्ड। और भाई ये एडवांस वर्कबेंच से क्या होने वाला है मेरे ख्याल से? हम लोग और बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं इससे, ठीक है। तो बढ़िया है भाई, इससे हम लोग और बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग की वर्कबेंच बन चुकी है पूरी, और भाई मेरी किसी ने मदद तो करी नहीं। और ये रहे भाई हम लोग रेसिपी, देख सकते हो हम लोग यहाँ पे फायर बो भी बना सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन भाई हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें अनलॉक भी नहीं करी हैं, तो मेरे ख्याल से शायद हम लोग को शो नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो बेसिक चीज़ें वो तो बना ही सकते हैं, और एडवांस चीज़ें ही बना सकते हैं। और गाइस मैं तुम लोग को एक चीज़ दिखाना भूल गया, मैंने भाई टॉर्च ही बना ली, ठीक है। और टॉर्च बना ली भाई, हो सकता है कि हम लोग अगली वीडियो में उसके अंदर जाए, ठीक है, माइनशाफ्ट के अंदर जाए, क्योंकि भाई इसके अंदर मैंने माइनशाफ्ट भी देखी थी। और भाई मेरे को लग रहा है ना माइनशाफ्ट में होने वाले बढ़िया बढ़िया पोकेमॉन्स, तो देखते भाई माइनशाफ्ट के अंदर भी चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ओर टोल लेता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को अभी बनाना मेडिसिन वर्कबेंच, ठीक है भाई, मेरे को मेडिसिन वाली वर्कबेंच भी बनानी है, और मेरे को भाई ओर तोड़ने पड़ेंगे। तो गाइस देख, तो मैंने ओर वगैरह का सबका इंतजाम कर लिया, और ये रही भाई मेडिसिन वाली वर्कबेंच। और फटाक से गाइस इसको भी बिल्ड कर देता हूँ। और इसको बिल्ड मैं कहाँ पे करूँगा? इसको खिड़की की तरफ बिल्ड करते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई मेडिसिन वाली है और छोटी सी वर्कबेंच है, प्यारी सी लग रही है, ठीक है, तो खिड़की की तरफ अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे 15 सेकंड लगेंगे इसे बिल्ड करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 सेकंड में बिल्ड हो जाएगा। और यहाँ पे मैं हंगरी भी हो रखा हूँ, तो भाई इसकी मैंने कर दी बिल्ड कंप्लीट। और यहाँ पे हम लोग मेडिसिन बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेड बेरीज लगेगा, और मेरे को हॉर्न लगेगा एक सूप बनाने के लिए। सूप से भाई क्या होता है भाई, काफ़ी सूप है, ठीक है। हम लोग के पाल जैसे तुम लोग को दिख रहा होगा, एक पाल हमारा, उसके नीचे कुछ लिख के आ रहा है, अलकर अलकर लिख के आ रहा है भाई। लेकिन अलकर का मतलब क्या होता है भाई, ये तो मेरे को पता नहीं है। जैसे कई और पोकेमोन है, उनकी वो बीमार रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, तो हम लोग उनको कर सकते हैं। और यहाँ पे गाइस हम लोगों ने कर दिया 9 का अपना बेस, ठीक है। और हम लोग को कूलर बॉक्स बनाया, और पाँच
और मेरे को क्या बनाना है, बिल्ड है स्पेयर वर्क बेंच। ठीक है भाई, स्पेयर वर्क बेंच भी होती है। ठीक है भाई, स्पेयर्स के लिए हम लोग अलग वर्क बेंच बना सकते हैं। और भाई मेरे को एक कूलर भी बनाना है। ठीक है भाई, मैं अगर हो सकता है इसी वीडियो में बना लेते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले मेरे को अनलॉक करनी पड़ेगी। तो ये दिख गया गाइस मेरे को कूलर बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को स्पेयर वर्कबेंच दिख गई। सबसे पहले स्पेयर वर्कबेंच मैंने अनलॉक कर दिया और ये गाइस हमारा कूलर बॉक्स, इसे भी मैं कर देता हूँ अनलॉक। ठीक है, लेकिन भाई इसके लिए मेरे को 20 इंगट्स की जरूरत है। तो भाई मेरे पास इंगट तोड़ने के सिवाय और कोई ऑप्शन बचा नहीं हो मेरे पास। ओ शिट, ठीक है भाई इंगट का तो मेरे पास अब ये भी नहीं बचा, तो मेरे को कहीं बाहर से इंगट तोड़ के लाने पड़ेंगे। तो ढूंढ के लाता हूँ भाई इंगट फटाक से। ठीक है, तो मैं इस पे बैठ जाता हूँ भाई, इंगट तोड़ने की तैयारी करता हूँ। तो गाइस स्पेयर वर्कबेंच और कूलर तो गाइस हम लोग अगले एपिसोड में बनाएंगे। ठीक है, एपिसोड 8 में। तो गाइस एपिसोड 8 में मिलता हूँ तुम लोग से भाई। एपिसोड 8 में हम लोगों को काफी कारनामे करने हैं। ठीक है, तो तुम लोग से मिलते हैं अगले एपिसोड में, एपिसोड 8 में। तो अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं तुम लोग से अगली वीडियो में, ब्रेक के बाद। बाय बाय।